ऐसी जो जघन्य घटनाएं हैं उस पर जितनी कठोर कार्रवाई हो सकती है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। अपराधी चाहे कोई भी हो, किसी भी सीमा तक जाकर हम इसको पूरी तरह से जो न्याय है उसके सिद्धांत पर चलते हुए अपना काम करेंगे, पुलिस अपना काम करेगी। कल जो है ये विवेचना पुलिस को ट्रांसफर की गई लक्ष्मण झूला थाने को, और 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने इसमें तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, मुख्य अभियुक्त पुलकित सहित। ऋषिकेश के गंगा भोगपुर में वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करने वाली अंकिता भंडारी केस में पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पकड़े गए आरोपियों से एक खौफनाक सच सामने आया। मुख्य आरोपी एक ऐसा व्यक्ति निकला जिसने प्रदेश में मौजूद भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। हत्या का मुख्य आरोपी कोई और नहीं बल्कि भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्या का बेटा पुलकित आर्या निकला। पूरे मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलकित आर्य और अभियुक्तों की निशानदेही पर आपसी विवाद के बाद चीला रोड पर जिस नहर में अंकिता को धक्का दिया गया था उस नहर में उत्तराखंड पुलिस और एसडीआरएफ की टीम शव की तलाश कर रही है। अंकिता भंडारी की हत्या के विरोध में और मामला सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा होने के कारण न्याय दिलाने के लिए महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया और हथियारों को जिस गाड़ी में ले जाया जा रहा था उसका घेराव किया। इतना ही नहीं, आक्रोशित महिलाओं ने पुलकित आर्य समेत सभी आरोपियों को पीटा। न्याय में पेशी के बाद तीनों आरोपियों को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड ने पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। इसके बाद प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अपराधी चाहे कोई भी हो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, अंकिता को न्याय मिलेगा। ये बहुत दुखद घटना है, बहुत जघन्य अपराध है और पुलिस अपना काम कर रही है। गिरफ्तारियों को लेकर पुलिस ने आगे सारे काम किए हैं और ऐसी जो जघन्य घटनाएं हैं उस पर जितनी कठोर कार्रवाई हो सकती है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। अपराधी चाहे कोई भी हो, किसी भी सीमा तक जाकर हम इसको पूरी तरह से जो न्याय है उसके सिद्धांत पर चलते हुए अपना काम करेंगे, पुलिस अपना काम करेगी। वहीं प्रदेश के डीजीपी अशोक कुमार अपनी पुलिस की पीठ थपथपाते नजर आए। उन्होंने कहा कि रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य समेत 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की विवेचना की जा रही है। घटना घटी है जो कि लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के आसपास चीला के बीच में एक रिसोर्ट है बंतरा, उसमें एक लड़की काम करती थी अंकिता भंडारी जो श्रीकोट गाँव की रहने वाली थी और वो 5 दिन से 6 दिन से मिसिंग चल रही थी। ये राजस्व पुलिस का क्षेत्र पड़ता है, इसमें रेगुलर पुलिस का वो नहीं है, तो राजस्व पुलिस ने इसमें पटवारी ने गुमशुदगी लिखी होगी। कल जो है ये विवेचना पुलिस को ट्रांसफ़र की गई लक्ष्मण झूला थाने को और 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने इसमें तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, मुख्य अभियुक्त पुलकित सहित 3 अभियुक्त पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं और इसमें आगे की कार्रवाई भी जो है की जा रही है। हालांकि उत्तराखंड पुलिस पुलकित आर्य के बयान के आधार पर मामले का खुलासा कर रही है। सोचने वाली बात है कि आपसी विवाद के बाद कि कोई कैसे किसी को नहर में धक्का दे सकता है। अगर ऐसा हुआ तो जरूर पुलकित आर्य के सिर पर सत्ता का बेशुमार नशा चढ़ा था। बहरहाल अंकिता के शव की तलाश जारी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पूरे मामले पर पर्दा उठेगा। ब्यूरो डेस्क पंजाब के सीटीवी। लड़की को हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।